एंटी करप्शन कोर्ट ने जो कहा था कि जम्मू कश्मीर बैंक के एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दी जाएगी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कुछ सीरियस एलिगेशंस उन पर लगाए गए हैं कि जो अपॉइंटमेंट हुई थी 2010 के बाद जो अपॉइंटमेंट हुई है प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की या फिर बैंकिंग असिस्टेंट की, उनकी जो अपॉइंटमेंट हुई है वो इल्लीगल तरीके से हुई है। इसके चलते ही उन्होंने कहा कि ये जो सैलरीज हैं वो उनको नहीं दी जाएंगी जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती। इसी मामले को हाई कोर्ट में ले जाया गया जम्मू कश्मीर बैंक के जो एम्प्लॉयज़ यूनियन है उसके द्वारा, और उन्होंने जब ये बैंक जो है हाई कोर्ट में जब ये उस मामले को जब वहाँ पर ले जाया गया तो हाई कोर्ट ने अब ये ऑर्डर दिया है कि ये जो सुनवाई है, इस मैटर की सुनवाई जो है वो 9 जुलाई को अब होगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले साल 2019 में 10 जून को जम्मू कश्मीर बैंक के कुछ एम्प्लॉयज़ पर एलिगेशंस लगाए गए थे कि इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो इल्लीगल तरीके से हुई है। इसी को इन्वेस्टिगेट करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने जम्मू कश्मीर बैंक कॉरपोरेट ऑफिस में रेड की थी, और इस रेड के बाद वहाँ से ऐसे ही कुछ एम्प्लॉयज़ जिन पर एलिगेशंस लगाए गए थे कि ये एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी बैकडोर से एंट्री हुई है या फिर जो इल्लीगल तरीके से अपॉइंट हुए हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स को सीज कर लिया गया था। साथ ही में एसीबी ने सैलरीज जो है, जो एसीबी जो एंटी करप्शन कोर्ट है, उन्होंने ये सैलरीज जो हैं बंद करने की भी डायरेक्शन जम्मू कश्मीर बैंक को दे दी ताकि इन ये जो एम्प्लॉयज़ हैं इनको सैलरीज जो है वो ना मिल सके। साथ ही में 2010 से एम्प्लॉयज़ जो अपॉइंट हुए हैं उनकी सैलरीज को रोकने की जम्मू कश्मीर बैंक को डायरेक्शन दी गई थी, और करीबन 3,000 के करीब एम्प्लॉयज़ हैं जो इस वक्त जिनको सैलरी नहीं दी गई है, जून महीने की उनको सैलरी नहीं दी गई है। जम्मू कश्मीर बैंक एम्प्लॉयज़ यूनियन ने भी अप्रोच किया एंटी करप्शन कोर्ट, जो है एंटी करप्शन कोर्ट है वहाँ पर उन्होंने उसको अप्रोच किया और वहाँ से उन डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज़ जो है वो उन्होंने वहाँ से वापस ले आए, क्योंकि उन्होंने कहा कि फोटोकॉपीज़ लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो जो डॉक्यूमेंट्स पहले से सीज कर रखे थे एसीबी ने उस रेड में, उस उनकी फाइल्स हो या फिर डॉक्यूमेंट्स हो, उनके उन्होंने फोटोकॉपीज जो है वो वापस ले आए। उसके बाद प्रोबेशनरी ऑफिसर्स और जो बैंकिंग असिस्टेंट है जिनके ऊपर ये एलिगेशंस लगे गए उनको सैलरी जो है वो देना बंद हो गई। साथ ही में ये जो डायरेक्शन है ये ट्रायल कोर्ट ने पास की स्पेशल जज एंटी करप्शन श्रीनगर ने मई 23 को 2020 को उन्होंने डायरेक्शन पास की कि आप इनको सैलरी जो है वो नहीं देंगे। जब बैंक की एप्लीकेशन सबमिट हो गई थी सीज डॉक्यूमेंट, क्योंकि जो बैंक है जम्मू कश्मीर बैंक है उन्होंने भी एक एप्लीकेशन जो है वो सबमिट की ट्रायल कोर्ट में कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिलीज़ किए जाए, इन एम्प्लॉयज़ को जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रिलीज़ किया जाए, उन्हें वापस दिया जाए, तो तब जाकर उस दूसरी दौरान जब ये कंसीडर कर रहे थे तो तब जाकर उन्होंने कहा कि इनकी सैलरी जो है वो रोक दी जाए। एसीबी ने इसी के चलते 2 FIRs भी दर्ज की गई हैं, और जो 2 FIR जो दर्ज की गई हैं ये कुछ ऑफिसर्स के ऊपर उन्होंने की हैं, और इन्वेस्टिगेशन का जो कंक्लूजन है उसके बाद फाइनल रिपोर्ट जो है वो सेक्शन 173 CRPC के अंडर जो है वो फाइल हो गई है, और ट्रायल कोर्ट के सामने ये जो सेक्शन है ये फाइल, ये जो पूरी रिपोर्ट है ये वहाँ पर फाइल की गई है। साथ ही में ट्रायल कोर्ट ने बैंक की एप्लीकेशन को कंसीडर करते हुए ये भी कहा कि जो बैंक है वो जीरोक्स जो होते हैं, जीरोक्स रिकॉर्ड जो है उसका स्ट्रिक्टली यूज़ करे डिपार्टमेंटल एक्शन के लिए, और जो इल्लीगल अपॉइंटीज हैं उनकी सैलरी या फिर इंक्रीमेंट या फिर APRs की रिकॉर्डिंग, इसके लिए उनके जो जीरोक्स डॉक्यूमेंट हैं उनका इस्तेमाल ना किया जाए, ऐसा जो है वो ट्रायल कोर्ट ने कहा। हालांकि जो पेटिशनर्स हैं उनका अब ये मांग है कि जो ऑर्डर, क्योंकि 9 तारीख को जो है वो इसकी हियरिंग होगी इस मैटर की, तो पेटिशनर जो यूनियन के पेटिशनर हैं जिन्होंने पेटिशन फाइल की है प्रेसिडेंट इस यूनियन के, जम्मू कश्मीर जो बैंक के एम्प्लॉयज़ के यूनियन हैं, यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जो ये पेटिशन फाइल की है उन्होंने कहा है कि इस ऑर्डर को जो है वो क्वैश कर दिया जाए और एम्प्लॉयज़ को जल्द से जल्द सैलरीज देने के लिए जो है वो एक ऑर्डर, एक तरीके से जो है वो जम्मू कश्मीर बैंक को अलाउ किया जाए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो सैलरी दे सकें। हाई कोर्ट ने भी जम्मू कश्मीर के जो बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी के मैटर की लिस्टिंग जो है उसका ऑर्डर कर दिया है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि निर्देश के अनुसार उन्होंने कहा है कि 9 जुलाई को जो है इसकी हियरिंग होगी।
तो फिलहाल जो पहले भी एक इसकी हियरिंग हुई थी वो जस्टिस राजेश बिंदल के अंडर जो है उनके सामने ये जो हुई थी हियरिंग, लेकिन अब दोबारा से जो है जम्मू कश्मीर बैंक एम्प्लॉयज़ यूनियन जो है वो ये चाहता है कि थोड़ी सी हियरिंग लेट हो, और आज वही हाई कोर्ट ने ये कह दिया है कि हियरिंग जो है अब इस मामले की सैलरीज देनी है या नहीं देनी है, इस मामले की जो हियरिंग है अब 9 जुलाई को होगी। तो अब देखना है कि हाई कोर्ट का क्या फैसला आता है। और फिलहाल इस अपडेट से मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज़।